रानू मंडल कौन है ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं कि रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थीं और किसी तरह पैसे जुटाकर खुद का पेट पालती थीं। किसी ने उनके गाने का वीडियो रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो तुरंत वायरल हो गया, लोगों को रानू की आवाज़ भी पसंद आई। फिर उन्हें मुंबई से बुलावा आ गया, रियलिटी शो में गई। हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म में गाने का ऑफर दिया, दो गाने रिकॉर्ड भी कर लिए। उनका कुछ हिस्सा हिमेश ने सोशल मीडिया पर भी डाला, वो भी वायरल हुआ और बहुत ही मशहूर हो गया। एक महीने के अंदर ही रेलवे स्टेशन पर गाने वाली रानू बॉलीवुड सिंगर बन गई। फिर आए दिन उनसे जुड़ी कोई न कोई खबरें आने लगी हैं। ये है रानू मंडल की कहानी, याद कर लीजिए, बहुत ही फेमस हो रही हैं। अब मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दा जो ये है कि रानू का जो वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ था उसमें वो एक प्यार का नगमा है गाना गाते हुए दिखाई दे रही थी। ये गाना शोर फिल्म का है, 1972 में आई थी। गाना गाया था लता मंगेशकर ने, और एक समाचार एजेंसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब लता को से रानू को लेकर बातचीत की गई तब उन्होंने खुशी तो जताई लेकिन कुछ चिंताएं भी अपने सामने रखी। लता ने कहा कि अगर मेरे नाम और काम से किसी का भला होता है तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नकल करके कामयाब होना ये सही नहीं है, ये विश्वसनीय तरीका नहीं है। मेरे गाने या फिर किशोर दा के गाने या मोहम्मद रफ़ी साहब के या फिर मुकेश भैया के या फिर आशा भोसले के गाने गाकर आप कुछ समय के लिए मशहूर हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे मेरे गाने बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं, लेकिन पहली सफलता मिलने के बाद कितने ही बच्चों को आप याद रखते हैं। मैं सिर्फ सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल को ही जानती हूँ, और मेरी सलाह है कि आप वास्तविक रहो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे और मेरे कलीग्स के गाने गाएं, लेकिन एक समय के बाद आप खुद के गाने भी गाएं। अगर आशा भोसले अपने खुद के गानों पर जोर नहीं डालती तो आज वो सिर्फ मेरी परछाई बनकर रह जाती। वो एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह कोई व्यक्ति अपने टैलेंट को आगे ले जा सकता है। ये मैसेज दिया है लता मंगेशकर ने उन सभी कलाकारों के लिए जो म्यूजिक के दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।